नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रिक्शा सर्कल में स्वागत है। आप लोगों का हिस्ट्री का दूसरा क्लास है। इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके जनक किसे कहा गया है, और अध्ययन की सरलता के लिए इतिहासकारों ने कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ने के लिए एडवाइस दिया है। ठीक है, आप लोग का हिस्ट्री का सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल क्या है। मध्य पाषाण काल किसने की थी इसकी खोज, आइए जानते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइव महोदय ने दी थी। किसने जानकारी दी थी, तो हमको सबसे पहले जानकारी जो है 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइव महोदय के द्वारा हमको प्राप्त हुई थी। इस काल के उपकरण कैसे थे, तो इस काल के उपकरण बहुत छोटे छोटे थे और पत्थर से बने थे, इसलिए इस काल को लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे, मध्य पाषाण काल के औजार लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच तक के मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार थे। कितने इंच के थे, तो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे लगभग आधे इंच से और पौने इंच तक के थे, इसलिए इस काल को मध्य पाषाण काल के कहा गया। इसके औजार कौन कौन से थे, जैसे फलक, पाइन, खुरचन, बेदनी, कई छोटे छोटे उपकरण थे मध्य पाषाण काल में जिनका प्रयोग किया जाता था। मध्य पाषाण काल का समय तो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक के समय मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इस काल में भी मानव मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्रह की था। तो इस समय का मनुष्य था कैसा था, खाद्य संग्राहक था, खाद्य संरक्षक नहीं था, खाद्य संग्राहक था। परंतु तो शिकार करने की तकनीकी में परिवर्तन आ गया था। जब इसके पहले मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मानव खाद्य संग्राहक था लेकिन बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था, लेकिन जो इसका मानव था वो कैसा था, खाद्य संग्राहक तो था किंतु शिकार करने की तकनीकी में परिवर्तन आ गया था, थोड़ा बहुत बदलाव आ गया था। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के अलावा हड्डियों और सींग के औजार बनाए जाने लगे थे। तो मध्य पाषाण काल का समय था, इसमें पत्थरों के अलावा धीरे धीरे हड्डियों और सींग के औजार भी बनाए जाने लगे थे, ताकि जो छोटे छोटे शिकारी होते थे उनका आसानी से शिकार किया जा सके। इस काल के उपकरण छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया। पेपर में आता है कि माइक्रोलिथिक किसे कहा गया, तो इस काल के उपकरण बहुत छोटे छोटे काल थे इसलिए इसे माइक्रोलिथिक काल का नाम दिया गया। किसको, मध्य पाषाण काल को, ठीक है, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। एचडी संकालिया एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एचडी संकालिया। इन्होंने व्यापक स्तर पर मध्य पाषाण उपकरणों की खोज की थी और इस काल को फलक संस्कृति का नाम दिया था। तो फलक संस्कृति का नाम किसके द्वारा दिया गया था, एचडी संकालिया के द्वारा फलक संस्कृति का नाम दिया गया था। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहते हैं, इस युग को मध्य पाषाण काल क्यों कहते हैं, इसलिए इस युग को मध्य पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह युग है पूरा पाषाण और नव पाषाण के मध्य में आता है। मध्य का मतलब होता ही बीच में है, तो इस युग को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये समय है तो पूरा पाषाण काल और मध्य नव पाषाण युग के बीच का समय है, इसलिए इस काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। हिमयुग के खत्म होने के पश्चात जलवायु क्या हो गई थी, शुष्क हो गई थी, और इसलिए जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ, वनस्पति और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया था। जो हिमयुग था, जब हिमयुग खत्म हुआ तो उसमें जलवायु बहुत शुष्क हो गई, और जलवायु के में परिवर्तन तो हुआ ही किंतु साथ में वनस्पति और जीव जंतु में भी बहुत सारे बदलाव, कई बदलाव देखने को मिले, जिससे मानो क्या हुआ, आगे के क्षेत्रों में बढ़ना मनुष्य का संभव हो पाया, आगे मनुष्य बढ़ा। ठीक है, मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन कौन से उपकरण थे, कैसे थे, है ना, आइए देखते हैं। इस काल में पूरा पाषाण काल के सभी उपकरण नियमित रहे, जितने पूरा पाषाण काल में प्रयोग होने वाले उपकरण थे वो भी नियमित तौर से रहे, किंतु इसके अलावा कुछ नए उपकरण भी प्रयोग में आने लगे थे, जैसे स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन, त्रिकोण मीन्स तीन कोनों का एक औजार था उसे त्रिकोण बोला गया था, नवचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, है ना, तीर कमान, इन सब उपकरण का भी प्रयोग मध्य पाषाण काल में होने लगा था। पूरा पाषाण काल में जो हो रहे थे वो हो रहे थे, किंतु इन नए नव पाषाण काल में छोटे छोटे औजार प्रयोग होने लगे थे। ठीक है, इस काल में सर्वप्रथम तीर कमान तकनीकी का विकास हुआ। पेपर में आता है कि सर्वप्रथम तीर कमान का विकास कब हुआ था, तो इस काल में सर्वप्रथम तीर कमान तकनीकी का विकास हुआ था। इस काल में मानव न केवल बड़े जानवर बल्कि छोटे जानवर जैसे पक्षी और मछली का भी शिकार करने लगा था। इस समय का जो मानव था तो ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े जानवरों का उपयोग करता था, छोटे छोटे जानवरों, छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार करने लगा था। ठीक है,
मध्य पाषाण काल के हमको उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश, लिखैया उत्तर प्रदेश, मोरहना की पहाड़ी उत्तर प्रदेश, बगलिफ खोर उत्तर प्रदेश, सराय नहर भी उत्तर प्रदेश में है, महदहा उत्तर प्रदेश में, दमदमा उत्तर प्रदेश, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, बहुत ही फेमस है, जलाल हल्ली ये कर्नाटक में पड़ता है, लंगनाज गुजरात, और सांभर और बागौर ये दोनों राजस्थान में हैं। हमको इन सभी स्थानों से मध्य पाषाण काल के कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में शैल चित्रों के महत्वपूर्ण स्थल, हमको शैल चित्रों के कहाँ से स्थल प्राप्त हुए, कैसे पता चला हमको? भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो भीमबेटका की गुफा है, उसे बहुत सारे चित्र उसमें हैं, किंतु उसमें जो सबसे ज़्यादा चित्र हैं तो कहाँ के हैं? मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। भीमबेटका की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। सराय नहर, महादहा एवं दमदमा से पशुओं की हड्डियों के उपकर तथा हिरण के सिंह के छल्ले प्राप्त हुए हैं। अभी बताया था कि सिंह का प्रयोग होने लगा था और हड्डियों के औजार बनाए जाने लगे थे। तो सर्वप्रथम हमको महादहा एवं दमदमा से ही हड्डियों के उपकरण और हिरण के सिंह के छल्ले प्राप्त हुए थे। महादहा से युग्मित समाधान अर्थात एक ही कब्र में स्त्री पुरुष के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से? महादहा से हमको स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाए जाने के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। महादहा से हड्डियों के सर्वाधिक आभूषण प्राप्त हुए थे। कहाँ से? महादहा से हमको सबसे ज्यादा हड्डियों के सर्वाधिक आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए थे? महादहा से। इस काल में राजस्थान स्थित सांभर झील के निक्षेपों में विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सबसे प्राचीनतम है ना, सर्वप्रथम कहाँ से? तो राजस्थान के सांभर झील के किनारे से हमको कुछ साक्ष्य वृक्षारोपण के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सराय नहर एवं महादहा से सर्वप्रथम स्तंभ गर्त चूल्हों, मानव अस्थि पंजर एवं मृतक संस्कार विधि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य सर्वप्रथम को सराय नहर से प्राप्त हुए थे। गर्त चूल्हों में पशुओं की हड्डियां जली हुई थी, इस प्रकार मानव कच्चे मांस को पकाने लगा था, अर्थात अग्नि के प्रयोग से क्या था? परिचित हो गया था। जो मानव था एक ऐसा हो गया था, परिचित हो गया था। सराय नहर राय में मानवीय आक्रमण तथा दंत रोग के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। सर्वप्रथम हमको कहाँ से दंत रोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो सराय नहर से हमको सर्वप्रथम हमको दंत रोग के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो सराय नहर से हमको सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य दंत रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, और वैसे भी एनसीईआरटी का है इसमें निचोड़, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।